पपीता की खेती से बदली किसान की किस्मत, सालाना इतनी होती है कमाई। बांका के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत कटहरा गांव निवासी इंद्रदेव कुमार महतो इन दिनों पपीता की खेती कर रहे हैं, जो काफी स्वादिष्ट है। और बताते हैं कि पपीता की कई वैरायटियां होती है, जिसमें अमीना अच्छी नस्ल की पपीता होती है, जो आधा केजी से 1.5 केजी तक का होता है और देखने में भी सुंदर और साथ ही साथ स्वादिष्ट होता है। किसान बताते हैं कि 2023 से पपीता की खेती कर रहे हैं। पपीता की खेती से पहले साल में नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार अच्छी मुनाफा हुई है। बताते हैं कि एक पेड़ में करीबन 50 से 100 केजी तक पपीता का उत्पादन होता है। इंद्रजीत महतो बताते हैं कि अमीना पपीता की क्वालिटी काफी अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नस्ल में सफेद वाली बीमारियां नहीं होती है। मुख्य तौर पर पपीता में बीमारी आ जाती है, जो बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अमीना नस्ल की पपीता में बीमारियों की संभावना नहीं होती है। इसका साइज सुडौल होता है और काफी स्वादिष्ट होता है, जो बाजार में आसानी से बिकता है। बताते हैं कि इससे सालाना 4 से 5 लाख तक की होती है कमाई। देव प्रसाद महतो, कहाँ से हैं? मैं ग्राम कटारा। क्या क्या चीज का खेती आप करते हैं? हम तो पहले गोभी का खेती करते थे, पपीता का करते हैं और गोभी का भी करते हैं। तो ये कब से शुरू किया आपने पपीता का? पपीता तो हम फर्स्ट में प्रथम साल ही लगाए हैं। हमको बहुत पसंद आया पपीता की खेती। प्रथम वर्ष पपीता पौधा लगभग लगाए हैं, इसमें को काफी अच्छा फायदा हुआ। और इसमें इसको खेती कैसे की जाती है? इसका खेती फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका नर्सरी डालते हैं और मार्च आधा मतलब 15 मार्च के लगभग इसको खेत में लगा देते हैं। तो ये जो पौधे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं आप लोग? इसका तो हम खुद अपना नर्सरी डाल लेते हैं। अपने से ही डालते हैं? इसका बीज कहाँ से लाते होंगे आप? बीज तो भागलपुर से मंगाते हैं, वैसे मेरा अपना दुकान भी है। क्या क्या कीमत पड़ती होगी बीज की? प्रत्येक बीज 7 रुपया लगभग। एक बीज का कीमत पड़ता है? एक पौधा को तैयार करने में क्या खर्च होती होगी? लगभग 30 रुपया। मतलब बड़ा तक करने में कितना दिन में ये तैयार हो जाती है? नर्सरी तैयार करने में 30 रुपया। नर्सरी तैयार करने तक? हाँ। उसके बाद फिर बड़ा करने तक लगभग 150 रुपया। 150 रुपये खर्च होती है, मतलब उसके बाद आपके फलन शुरू हो जाती है? 150 रुपये में शुरू से अंत तक इसका है। एक गाछ में मात्र 150 रुपये खर्च होती है। एक गाछ में कितना पपीता हो जाता होगा? 50 किलो से ऊपर होगा। ये कौन सा किस्म का है पपीता? ये VNR का अमीना है। अन्य किस्म से इस किस्म बीमारी कम है और फायदा अधिक है जी। ये खाने में स्वादिष्ट है, इसको ग्राहक अधिक पसंद करते हैं। क्या रेट में बिकती होगी बाजार में? बाजार इसका मार्केट वैल्यू तो 40 रुपया केजी है, 40 से 50 रुपया केजी। जी, यहाँ हम खेत से इसको 30 रुपये में देते हैं। होलसेलिंग करते हैं? हाँ, होलसेलिंग करते हैं। कहाँ, लोकल बाजार में या कहीं और? बगल में मार्केट है बांका और अमरपुर, वहीं जाता है।